क्या हो सकता है अपकमिंग फिल्म रोबोट 3.0 का सब्जेक्ट मैटर? क्यों रोबोट 2.0 के सक्सेस के बाद मेकर्स और एक्टर्स को बैंक के बजाय कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म रोबोट 3.0 के बारे में। दोस्तों, इस पिक्चर के लिए तमाम ऑडियंस काफी एक्साइटेड है। वेल, उनका एक्साइटेड होना बनता भी है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब रोबोट का पहला पार्ट रिलीज हुआ था तो उसमें जो इंडियन ऑडियंस को हॉलीवुड टेक्सचर देखने को मिला वो काफी लाजवाब था अपने आप में। एक बेहतरीन कहानी और एक बेहतरीन विजुअल इफेक्ट से सजा था रोबोट का पहला पार्ट, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया, और इसी वजह से इसका सेकेंड पार्ट भी जल्द ही आया, जिसका नाम था रोबोट 2.0। दोस्तों, रोबोट 2.0 का तो ट्रेलर ही इतना फेमस हो गया था कि दर्शक इसके लिए पागल हो गए थे। अब आने वाले दिनों में रोबोट 3.0 भी रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके मेकिंग से पहले ही इस पर काफी डीले चल रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी डीले का कारण आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जब रोबोट का पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट रिलीज हुआ तो इस पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुए थे, और इसी का निपटारा करने के लिए फिलहाल फिल्म के डायरेक्टर शंकर इसके कॉन्ट्रोवर्सी के सीन में कोर्ट केसेस में व्यस्त चल रहे हैं, जिस वजह से रोबोट 3.0 के मेकिंग में डीले हो रही है। आने वाले दिनों में इस बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि रोबोट 3.0 की शूटिंग कब से स्टार्ट होती है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि रोबोट 3.0 के लिए शंकर को दुगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि उन्होंने बेंचमार्क अपने लिए सेट कर लिया है रोबोट फर्स्ट पार्ट और रोबोट के सेकेंड पार्ट में ही। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि रोबोट 2.0 इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि इसके लिए डायरेक्टर शंकर और रजनीकांत को कोर्ट तक जाना पड़ा। क्या था पूरा मामला, मैं अभी आपको आगे समझाने वाली हूँ। दरअसल इस फिल्म में अक्षय कुमार ने एक सीन किया था जिसमें उन्होंने मोबाइल टावर को पक्षियों की मौत का जिम्मेदार बताया था। फिर क्या था, सभी मोबाइल कंपनी वालों को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने फिल्म के मेकर्स पर केस फाइल कर दिया। सेलुलर ऑपरेटर ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक ओपन लेटर लिखा इंडियन मिनिस्ट्री को, ये कहते हुए कि इस फिल्म में एंटी साइंटिफिक चीजों को प्रमोट किया गया है। वेल, दोस्तों, इसके बाद फिल्म पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई और फिल्म पर केस फाइल भी हुआ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, रोबोट 2.0 रिलीज हुआ। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तो इस पिक्चर ने कमाल किया ही, इसी के साथ क्रिटिक्स और ऑडियंस को भी काफी पसंद आई। इसी के साथ प्रोवाइडर्स को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब एक पिक्चर के लिए कोई फोन जैसी जरूरतमंद चीज थोड़ी बॉयकॉट कर सकता है, वो भी आजकल की दुनिया में जब फोन्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसी वजह से फिलहाल रोबोट 3.0 के मेकिंग में डीले चल रही है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर साथ ही रजनीकांत भी कोर्ट केसेस में व्यस्त हैं। इसी के साथ फिल्म के डायरेक्टर शंकर का कहना है कि वो रोबोट 3.0 के लिए उन्हीं टॉपिक्स पर फिल्म बनाना चाहते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या फिर किसी की सेंटिमेंट हर्ट ना हो, ऐसा कोई टॉपिक ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप रोबोट 3.0 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें।